हेलो गाइस, आज का हम आप लोग बताने वाला हूँ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में कितने मेडिसिन होते हैं, कौन सा कंपोजिशन का होते हैं, आज पूरा हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज के बारे में हम लोग पूरा जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग जानते हैं मेडिकल नॉलेज। मेडिकल नॉलेज में मेडिसिन हम जब एंटीबायोटिक लेने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पूछ भी सकते हैं कि एंटीबायोटिक है कि मतलब एंटीबायोटिक है एंटी डायबिटिक है। तो देखिए, एंटीबायोटिक में क्या होता है, जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए और उसको जगह को अच्छा करने के लिए जो वर्क करता है उसी को हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, जो डायबिटीज होता है, एंटी डायबिटीज होता है, उसको शुगर को लेवल में रखने के लिए वो एंटी डायबिटीज मेडिसिन दिया जाता है। तो इसमें दो ही फर्क है, एंटीबायोटिक डाया और एंटीबायोटिक और एंटी एंटीबायोटिक। तो आप लोग याद रखिएगा, एंटीबायोटिक्स दूसरा होता है, एंटी डायबिटिक दूसरा होता है। तो एंटी डायबिटिक्स कभी कभी पूछ देता है पेपर में, एक दो नंबर में पूछ देता है। डिप्लोमा करने चाहे बैचलर फार्मेसी या बी कॉम कर रहे हैं, ठीक है, मास्टर भी डिग्री कर रहे हैं, तो पूछता है एंटीबायोटिक में और एंटी डायबिटिक में अंतर बताइए, इस कंपोजिशन कौन सा कंपोजिशन का है मेडिसिन है, कभी कभी पूछ देता है। तो आप लोगों को इसको याद रखिए, मेडिकल में ज्यादा पूछता है, कोई भी कस्टमर आता है तो आप लोगों से पूछता है कि एंटीबायोटिक वा हमको मेडिसिन दीजिए, तो एंटीबायोटिक में क्या देंगे, वह एंटी मेलेरियल देंगे, इक्विनोलोन देंगे, या कि सेफ्रो स्पेरिन देंगे, एमिनो ग्लाइकोसाइड देंगे, या कि माइक्रोलिड्स देंगे, एक एंटी एलिमेंटस आता है, एंटी फंगल आता है, एंटी वायरस भी आता है, जिसमें आप लोगों को 7 लिखा हूँ, एक बच गया है उसको मैं लिख देता हूँ अभी। ठीक है, तो पेनिक जो पेंसिलिन होता है ये भी एंटीबायोटिक है, इक्विनोल का है, क्विनोलोन जो सेफ्रो स्प्रिन हो गया, एमिनो ग्लाइकोसाइड हो गया, माइक्रोलिड्स हो गया, लैक्स भी कहते हैं। ठीक है, एंटी हेलमेंटिस होता है, एंटी फंगल होता है, एंटीवायरस भी होता है। तो आप लोगों को याद रखने के लिए लिखा हूँ, जिससे आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे कि ये पेंसिलिन है जो हम लोग ब्रांड नेम से लेते हैं। जैसे आप लोग मार्केट में जाएंगे तो आप लोग पेंसिलिन मांगेंगे तो जरूर मिलेगा, बट आप उसका कंपोजिशन देखेंगे तो इमोक्सिलिन होता है। इमोक्सिलिन क्यों होता है, कि ये भी एंटीबायोटिक है। जब हम लोग मतलब कोई भी आप फैमिली में कोई चोट लग जाता है तो इमोक्सिलिन दिया जाता है, जिससे आप लोगों को क्या होता है, इमोक्सिलिन एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है। इसका ब्रांड नेम हम लोगों को मोक्स मिलता है, मोक्स 500 मिलता है, ठीक है, नोवा मोक्स भी मिलता है। ठीक है, ये दो नाम से मिलता है। ठीक है, कई कंपनी अपने अपना नाम चला दिया अभी, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को अच्छे से याद रहेगा कि मोक्स जो होता है पेंसिलिन होता है, एपिसिलिन पेंसिलिन में आता है, एमोक्सिलिन होता है। अब देखिए, इसके बाद किया जाए क्विनोलोन जो होता है इसमें, अब देखिए सिप्रोफ्लैक्सिन होता है, लिवोफ्लैक्सिन होता है, मोक्सीफ्लैक्सिन होता है, नोरोफ्लैक्सिन होता है, ओफ्लैक्सिन होता है। ये क्या होता है, जो मेडिसिन है एंटीबायोटिक है। जितना हम आज के बारे में बात करने वाला हूँ वो सारे एंटीबायोटिक है, इसके लिए हम लोग मेडिसिन लिखा जाता है। तो आप लोग कभी कभी लेटर लिख देते हैं सिप्रोफ्लैक्सिन, लिवोफ्लैक्सिन, मोक्सीफ्लैक्सिन, नोरोफ्लैक्सिन, ओफ्लैक्सिन। ये क्या होता है, इक्विनोलोन होता है, इस बीमारी में जो होता है, इस स्थिति में वो उसको दिया जाता है। ठीक है, अब एंटीबायोटिक में कई है। अब सेफ्रोमाइसिन, सेफ्रो जो जो सेफो सेफेरो जो स्प्रिन होता है उसके लिए दिया जाता है, कौन सा मेडिसिन, सिपेक्सिन हो गया, सिपोड्रोक्सिन हो गया, सिफेक्सिम हो गया, सिपोडोक्सिम हो गया, सिप्रीजोन हो गया, सिप्रोक्सिमिन एंड जिट हो गया। ये सारी मेडिसिन क्या है, जब हम लोग को फीवर हो जाता है उसमें क्या वर्क करता है, इसको हम लोग सेफ्रो स्पोरिन कहते हैं। कभी कल आप लोग चले जाएंगे डायलिसिस में, उसमें भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर ये जो सिप्लेक्सिन हो गया, सिफेक्सिम हो गया, ये फीवर में ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखा जाए तो इम्यूनोग्लाइको साइड में तो टोब्रामाइसिन होता है, टोब्रामाइसिन एक ही आता है, इसका टोबा कंपनी ब्रांड नेम है, टोबासिन है। ठीक है, इसका भी आप लोग बता दूंगा। देखिए सिप्रोफ्लैक्सिन का ब्रांड नेम आप लोगों का सिफोक्सिन मिलता है, सिप्रोलोक्सिन मिलता है, मतलब सिप्लाक्स का मिलता है, सिप्ला का सिप्लोक्सिन। ठीक है, लिवोफ्लैक्सिन का लिवोफ्लैक्स मिलता है, मोक्सीफ्लैक्सिन का मोक्सोकाइन मिलता है, नोफ्लैक्सिन का नोरफ्लैक्स मिलता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। सिफेक्सियम का आप लोगों को मिल जाएगा
और सिपोट्रोक्सिन का, सिपेक्सियम का, टेक्सिमो का, ये सारी मेडिसिन आप लोग कंपोजिशन सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब टोब्रामाइसिन जो होता है आप लोग याद कर लीजिए, टोब्रामाइसिन जो होता है इसको टोबा होता है, टोबासिन होता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। जो माइक्रो होता है, माइक्रो, ठीक है, माइक्रोलिड्स होता है, उसके बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो माइक्रोलिड्स होता है इसमें क्या होता है, एजिथ्रोमाइसिन, देखिए एजिथ्रोमाइसिन हम लोग क्या देते हैं, क्लोरपेन हो गया उसमें दे सकते हैं, क्लिंडोमाइसिन, रोक्सी रोक्सीथ्रोमाइसिन, ये सारे ब्रांड है जो है, ब्रांडेड है कंपोजिशन का, इसको हम लोग एजिथ्रोमाइसिन का एजिल का नाम से मिलता है, एजिथ्रोल का नाम से मिलता है, क्लिंडोमाइसिन का क्लिंडोमाइसिन का ही नाम से आप लोग मिल जाएगा, रिथ्रोमाइसिन हो गया, रोक्सीथ्रोमाइसिन होता है, ये सारी आप लोग नेट पर सर्च करेंगे तो अच्छे से आप लोग कंपोजिशन ब्रांड नेम मिल जाएगा, इसमें आप लोग याद कर लीजिएगा। जो एंटीबायोटिक है आज पूरा हम आप लोग बता दिया कि कौन सा एंटीबायोटिक है, ठीक है। एंटी हेलमेंटिस जो होता है तो इसमें देखिए अल्बेंडाजोल आता है, डी इथाइल होता है, कार्बो मैगजीन होता है, इन बेरेमेटिन होता है, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। देखिए एंटी फंगल के लिए जो हम लोग यूज किया जाता है ड्रग जो यूज किया जाता है ब्रांड फुल्कोनाजोल हो गया, फुल्कोनाजोल आप लोग मिल जाएगा, ठीक है, किटनो कैनाजोल हो गया, इंट्रा कैनाजोल हो गया, टेबिन फाइन हो गया, ये सारी कंपोजिशन का ब्रांड नेम आप लोगों को मिल जाएगा। ये सारी जो जितने मेडिसिन है ये पूरा मेडिसिन आप लोगों को एंटीबायोटिक में आती है और इसका कैटेगरी में बांटा गया है कौन सा मेडिसिन किसमें दिया जाता है, ठीक है। आप लोग याद कर लेंगे कि जो एमिनो ग्लाइकोसाइड है टोब्रामाइसिन में यूज किया जाता है, मैक्रोलाइड्स जो होता है एजिथ्रोमाइसिन में यूज किया जाता है, ठीक है, इस तरह आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूरा बता दूंगा, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं। तो हम लोग उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो एंटीबायोटिक जो होता है एंटीबायोटिक है तो एंटीवायरल हम आप लोग बता दूं कि एंटीवायरल जो होता है एमिट्राडीन होता है, एमांटाडीन होता है, एमांटाडीन होता है, इसको ब्रांड नेम हम लोग मिलता है एमांटाडीन का, एमांटाडीन का ब्रांड नेम पार्किडीन होता है, एमेट्रेल होता है, ये ब्रांड नेम से आप लोगों को मिल जाएगा। जब मार्केट में आप लोग खरीदने जाएंगे तो पार्काडीन मांगिए, पार्काडीन पार्का देखिए पार्किटिडीन पार्किटिडीन मांगिए तो मिल जाएगा, इसको एमिट्रिल मांगिए तो आप लोग मिल जाएगा, ठीक है। तो एंटीवायरल्स के लिए जो मेडिसिन दिया जाता है एंटीवायरल के लिए वो मेडिसिन आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए एक आप लोगों के एंटीबायोटिक में मिलता है एट एंटीबायोटिक जो होता है एंटीबायोटिक, ये आप लोगों को एट कैटेगरी में बांटा गया है, एट का मतलब इसमें आप लोगों को जितना मेडिसिन आप लोगों को लग रहा है दिखाई दे रहा है ये सारे एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसका कंपोजिशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसका ब्रांड नेम जानेंगे, ठीक है दोस्तों, उसके नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलिएगा। कंबाइनेशन पढ़ना है, ये दोनों को मिला के एक मेडिसिन बनाया जाता है, उसके ब्रांड नेम जानेंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे कि अगमेंटिंग आता है ना 625 DDO मतलब ऑगमेंटिव हो गया, क्लोएम हो गया 625, इस तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं, कंबाइनेशन कहते हैं, ठीक है, उसको आप लोग पढ़िएगा, उसको कंपोजिशन भी कहते हैं, ठीक है। जब दवा हम लोग को एक मेडिसिन मिला के और दूसरा मेडिसिन मिला के एक मेडिसिन को पैक करके दिया जाता है उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, इस आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, इससे बेहतर आप लोग जानना आप लोग चाहिए तो आप लोग प्ले स्टोर में आप लोगों को लोड कर लीजिएगा अपना डीके फार्मेसी नोट करेंगे और आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।